हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ केवी टीचर्स गिल्ड। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास फोर्थ मैथ्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके फॉर हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, वो सभी कवर करेंगे। जितने भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनके जितने भी क्वेश्चंस हैं, पॉसिबल क्वेश्चंस, वो मैं आपको बताऊंगी कैसे सॉल्व करने हैं, दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। ये क्विज़ फॉर्म में नहीं होगा आपका, आपकी कुछ वर्कशीट ले ली गई है आपकी क्लास की, क्लास फोर्थ मैथ्स की, जिनके थ्रू आपको टॉपिक समझाए जाएंगे और जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वही मैं कवर करूंगी इसमें, जो मुझे लगता है कि आपको पहले से आते हैं। जैसे ट्रिप टू भोपाल की बात करूँ तो उसमें कुछ एडिशन के क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्शन एंड विच इज़ लेस एंड ग्रेटर, आई थिंक ये आप पहले कर चुके हैं क्लास थर्ड में, तो वो चीज़ें हम लोग इसमें नहीं करेंगे। जो आपके बाकी है, कन्वर्जन ऑफ सेंटीमीटर, मीटर, लीटर एंड ऑल दीज थिंग्स, वो जो चैप्टर्स हैं आपके जग्स एंड मग्स एंड ऑल, जो हमारे एक्चुअली पहले बहुत अच्छे से नहीं हो पाए थे। जैसे जग्स एंड मग्स के लिए काफ़ी बच्चों की रिक्वेस्ट आई है कि उसकी वीडियो बना दो मैम, तो उसके जो ऐसे चैप्टर्स हैं जो थोड़े से डिफ़िकल्ट है आप लोगों के लिए समझना कि इन चैप्टर्स में से कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो आई थिंक जग्स एंड मग्स से ही शुरू कर देते हैं। चैप्टर नंबर 7, सबसे पहला जो एक क्वेश्चन बन सकता है आपका 1 मार्क में, उसमें आपको कुछ चीज़ों के नाम दे सकते हैं, पूछ सकते हैं कि इनकी कैपेसिटी आप किस में मेजर करेंगे, लीटर में या फिर मिलीलीटर में। मिलीलीटर होती है आपकी जो कम कैपेसिटी की जो चीज़ें होती है उनको आप मिलीलीटर में मेजर करते हैं, जो ज़्यादा कैपेसिटी की है उनको आप लीटर में मेजर करते हैं। लीटर आपको अप्रॉक्स पता होगा, जैसे आपकी वाटर बॉटल, जो अगर कोई बच्चा बड़ी वाटर बॉटल लेके जाता है तो उसमें आपका 1 लीटर पानी आ जाता है अप्रॉक्स, लगभग, ठीक। तो उस अगर किसी चीज़ की कैपेसिटी 1 लीटर से ज़्यादा है तो आप उसको लीटर में मेजर कर सकते हैं, जैसे एक बकेट में कितना पानी आएगा एंड ऑल। लेकिन अगर किसी की कैपेसिटी 1 लीटर से भी कम है तो आप उसको कैसे लीटर से मेजर करेंगे, उसकी कैपेसिटी 1 लीटर भी नहीं है। तो सिंपल आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि किसी की कैपेसिटी अगर 1 लीटर से ज़्यादा है, आपको लगता है कि उस बर्तन में 1 लीटर से ज़्यादा पानी आ रहा होगा, उस जो जिस भी चीज़ की बात हो रही है, तो आप उसको लीटर में मेजर कर सकते हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो आपको उसको मिलीलीटर में ही मेजर करना पड़ेगा। ओके, ऑन दैट नोट लेट स्टार्ट नाउ। वाटर इन अ ग्लास, ग्लास में 1 लीटर तो पानी आता नहीं है, सो मिलीलीटर ईजी है। वाटर टैंक में लीटर, कफ सिरप में जो स्पून होती है आपकी, एक स्पून में कितना कफ सिरप आएगा, मिलीलीटर, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। जूस इन अ ग्लास ml, ऑयल इन ऑयल टैंक इज इन लीटर। तो एक तो ये क्वेश्चन आपका बन सकता है इस चैप्टर से, फ्रॉम द चैप्टर जग्स एंड मग्स। सेकंड, टिक द करेक्ट मेजर, आपको कोई चीज़ बता सकते हैं और उसमें आपको 3 ऑप्शंस दे सकते हैं कि इनमें से बताइए कि इसकी कैपेसिटी कितनी होगी। जैसे आपको यहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल दी हुई है, इसकी कैपेसिटी 200 ml होगी या फिर 200 लीटर होगी। तो 200 लीटर की अगर बॉटल आने लगी तो वो तो आप कहीं स्टोर भी नहीं कर पाएंगे, आपका फ्रिज भी में भी नहीं आएगी वो। तो कितनी किसकी होगी, वो 200 ml की बॉटल ज़रूर हो सकती है, 1 लीटर से छोटी। एक छोटी सी बॉटल आपकी 200 ml की होती है, मैक्सिमम अगर बात करें तो 2 लीटर की आपकी बॉटल आती है कोल्ड ड्रिंक की, ठीक है। तो 200 लीटर तो हो ही नहीं सकती। फ्रूटी, ये आपकी 300 ml हो सकती है। अगर हम बात करें आपका जो ऑयल है वो 500 लीटर तो पॉसिबल ही नहीं है। देखिए कुछ चीज़ें आप ऐसे समझ लीजिए, 500 लीटर पानी आता है जनरली आपके छत के ऊपर जो टैंक रखा होता है, ब्लैक कलर का जो टैंक होता है जिससे आपके घर में वाटर सप्लाई होता है, वो जनरली 500 लीटर का होता है। तो आप देख लीजिए उसमें कितना पानी आता है। ओके, तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लीजिए। तो 500 लीटर तो नॉट पॉसिबल, 500 ml। ऐसे आपको नीचे दिया हुआ है, टिक द वन दैट हैज़ मोर कैपेसिटी, ये तो बहुत ईजी है, इसकी ज़्यादा कैपेसिटी है, देखने से हमें पता लग रहा है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से जो बन सकता है, दैट विल बी कन्वर्जन ऑफ लीटर इनटू मिलीलीटर एंड मिलीलीटर इनटू लीटर। सबसे पहले तो एक डायरेक्ट ही क्वेश्चन बन सकता है कि 1 लीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी मिलीलीटर्स, 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं। तो 1 लीटर में होते हैं आपके 1000 मिलीलीटर्स, 1000 ml। ओके, तो कहने का मतलब है जैसे यहाँ पर 4 लीटर दिया हुआ है, जो भी आपको लीटर दिया रहे उसको 1000 से मल्टीप्लाई अगर आप कर देंगे तो आप उसको ml में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 लीटर में कितने ml होंगे, 4 × 1000 यानी कि 4000, सिंपल, 4 के पीछे आप 3 जीरो लगा दीजिए, इतने ml हो जाएंगे। ये तो क्वेश्चन ईजी है, 4 लीटर को कन्वर्ट करना है, 7 को करना है तो 7000 हो जाएगा। प्रॉब्लम आती है आपको वहाँ पर जहाँ पर लीटर और मिलीलीटर कंबाइन दिए होते हैं, ये भी फोर्थ क्लास के आपके उसमें है। तो एक क्वेश्चन में ले लेती हूँ, सपोज कर लिया हमने लिए ले लिया 6 लीटर 20 ml, ये कि इसको अगर आप लीटर्स में चेंज करेंगे तो कितना आएगा। तो बच्चों को मैंने जनरली ऐसा देखा है कि वो ऐसे कर देते हैं 1620, यही आंसर होगा इसका, जो कि बिल्कुल गलत है। ओके, ये इसका आंसर नहीं होगा। कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखिए, अब वो बताते हैं आपको। सबसे पहले लीटर को ml में कन्वर्ट कर लीजिए, 16 लीटर में कितने मिलीलीटर हो जाएंगे, 16000, बिकॉज 1 लीटर में 1000 होते हैं।
ये 16,000 है और ये कितना है 20, तो आप 16,000 में 20 को ऐड कर दीजिए, आंसर विल बी 16,020। ओके, तो डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे आप पहले, उसके बाद करेक्ट आंसर टिक करेंगे, या फिर अगर सॉल्व करने में आता है तो प्रॉपर इस तरीके से सॉल्व करके दिखाएंगे। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, सपोज करिए 10 लीटर एंड 4 मिलीलीटर दिया हुआ है, 10 लीटर में 10,000 मिलीलीटर हो जाएंगे एंड 4 इसमें ऐड करना है, तो यानी कि 10,004 ml, ये आपका आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू लीटर्स। लीटर्स में कन्वर्ट करना मिलीलीटर को सबसे आसान है, सिंपल सी बात है, लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं आपकी वो ml ही रह जाती है, और जो ये 1000 है, क्योंकि ये 345 है, 345 मिलके 1 लीटर भी नहीं बनाता, 1 लीटर बनने के लिए भी 1000 मिलीलीटर चाहिए, तो इनका कुछ नहीं कर सकते हम, ये मिलीलीटर ही रहेगा, और जो 1000 प्लेस उसके बाद जो बच गया वो आपके लीटर्स हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इसमें देखती हूँ, इसमें लास्ट के 3 डिजिट है 601, सो 601 ml, और आगे लिखा हुआ है 78 लीटर, सिंपल 78 लीटर 601 मिलीलीटर्स। ओके, तो बाकी ये सॉल्व कर लेंगे आप लोग। सपोज करिए ये दिया हुआ है आपको, तो लास्ट की 3 डिजिट्स क्या है इसमें, 3 जीरोस, जीरो हटा दीजिए, जीरो यानी कि 0 ml, ml है ही नहीं, और लीटर्स कितने आगे जो बच गया 50, यानी कि इसमें 50 लीटर्स होंगे। ओके, इसमें हो जाएगा 30 लीटर्स एंड 840 मिलीलीटर्स, सिंपल लास्ट के 3 डिजिट मिलीलीटर्स, आगे जो बच गया वो लीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए आएगा, कॉलम मेथड, हो सकता है क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए भी आ जाए, आपको दो कैपेसिटी दी होगी और इसके ऊपर कोई वर्ड प्रॉब्लम भी बन सकती है कि एक बकेट में इतना पानी आता है, दूसरे में इतना आता है, टोटल मिला के कितना आता है, उसमें आपको प्लस करना है, तो अगर आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आते हैं आप इजीली कर लेंगे। जैसे नॉर्मल नंबर का एडिशन होता है, ऐसे ही आपका लीटर मिलीलीटर का एडिशन होता है, यहाँ पर लिखिए लीटर, यहाँ पर लिखिए मिलीलीटर। लेकिन इसमें एक चीज़ मुझे आपको बहुत ज़रूरी बतानी है, अभी स्किप मत करना वीडियो कि ये तो हमें आता है, क्या होता है अगर आपने लिखना है 18 लीटर 750 मिलीलीटर्स, ये लिख दिया आपने, सेकंड आपको इसमें ऐड करना है 12 लीटर 90 मिलीलीटर्स, आपने 12 लीटर के नीचे 12 लिख दिया, 90 मिलीलीटर अगर आपने ऐसे लिख दिया तो ये क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि ml की साइड 3 नंबर होने ज़रूरी है। क्लियर है आपको बात, अगर 90 आपको लिखा हुआ है तो 90 को आप 3 नंबर्स में कैसे लिख सकते हैं, 90 को हम 3 नंबर में 090 लिख सकते हैं, तो आप 090 लिखेंगे और उसके बाद एडिशन स्टार्ट करेंगे, 0 9 + 5 = 14, 1 कैरी, 7 + 1 = 8, 8 + 2 = 10, 1 कैरी, 1 + 2 = 3, 30 लीटर्स एंड 840 मिलीलीटर्स। क्लियर है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, सपोज करिए आपको ऐसे कुछ दिया हुआ है 6 लीटर्स, लीटर के नीचे आपने 6 लिखा, 25 मिलीलीटर्स, तो 25 आप ऐसे नहीं लिखेंगे, ध्यान रखना आप लिखेंगे 025, आपको इसमें ऐड करना है 15 लीटर्स, तो यहाँ पर आपने 15 लिखा, 3 मिलीलीटर है सपोज करिए सिर्फ, तो 3 को आपको कैसे लिखेंगे आप, 3 को आप 3 को लिखेंगे 003, 3 डिजिट्स होनी कंपलसरी है, अगर आपने यहाँ पर 3 डिजिट्स नहीं लिखी, खाली 25 लिख दिया, खाली 03 लिख दिया या फिर 3 ही लिख दिया, तो क्वेश्चन बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर सपोज करिए यहाँ पर 8 होता, 8 और 2 10 हो जाते, तो आप कैरी सीधा यहाँ करेंगे, क्योंकि आपकी 3rd डिजिट है ही नहीं, समझ रहे हैं आप, जबकि कैरी होना चाहिए यहाँ पर 3rd डिजिट के ऊपर, ठीक है। तो जब भी आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें लीटर मिलीलीटर्स में, या फिर किलोग्राम और जो आपका केजी और उसका जो कॉन्सेप्ट होता है ग्राम का, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट होता है कि आपको ग्राम्स में 3 डिजिट्स लिखनी कंपलसरी होती है। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, इस एडिशन के क्वेश्चन आपके, ये सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन हैं, आई थिंक हो जाएंगे इजीली। जैसे कि ये दिया हुआ है, आप लिखेंगे लीटर में 17 840, ये एल है, ये एम एल है, यहाँ पर आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 26 लीटर, सॉरी, अब 26 लीटर आपने लिख दिया एम एल, मिलीलीटर है ही नहीं कुछ अगर क्वेश्चन में बाई चांस, तो मिलीलीटर में आप 3 जीरो लगा देंगे, मिलीलीटर की साइड आपको 3 नंबर्स लिखने कंपलसरी है, अगर कुछ नहीं है तो 3 जीरो लिख दीजिए, अगर सिंगल नंबर है तो आगे 2 जीरो लगा दीजिए, अगर 2 नंबर्स है तो आगे 1 जीरो लगा दीजिए, 3 नंबर है तो वेरी गुड। जैसे इसमें से माइनस करना है आपको 17 840। ओके, अब सब्ट्रैक्शन कैसे होगा, जैसे आप नॉर्मल करते हैं, 0 में से 0 गया तो 0 बचा आपका, 0 - 4 नहीं हो सकता, यहाँ गया इसके पास भी नहीं है, ये यहाँ जाएगा उसके बाद, ठीक, यहाँ से इसने 1 लिया, यहाँ पर 5 रिमाइंडर बचा 10, एक इसने आगे दे दिया 9 बचा 10, 10 - 4 = 6, 9 - 8 = 1, 5 - 7 नहीं हो सकता, यहाँ गया 15 - 7 = 8 एंड 0, यानी कि 8 लीटर्स 160 ml, ये आपका आंसर है। ओके,
चलिए नेक्स्ट। अब ये आपका सिर्फ इतना ही जग्स एंड मग्स में है, रेस्ट अगर ज़्यादा अगर टीचर डिफिकल्ट बनाएंगी पेपर तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे सकती है, और मुझे नहीं लगता जग्स एंड मग्स से कोई क्वेश्चन बन सकता है। तो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको आती होगी, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ऐड कहाँ करना है, सब्ट्रैक्ट कहाँ करना है, बस। कि एक इसमें एक बकेट में इतना पानी था, सपोज़ करिए एक बकेट में 26 लीटर वाटर था, आपने 17 लीटर 840 लीटर उसमें से निकाल लिया या फिर आपने उसका यूज़ कर लिया, आपने उसमें कपड़े धो लिए, पानी पौधों में डाल दिया, कितना बचा? तो यानी कि आपको वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन नहीं है आपका, सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन दो ही ऑपरेशन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, या तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, वो दोनों तरीके मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके, आगे आते हैं सर्कल्स। वैसे अभी रिसेंटली मैंने इसकी वीडियो भी अपलोड की थी, बट जितने क्वेश्चंस इसमें से बन सकते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार। डैश इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व, एक कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है? तो सर्कल, सर्कल एक सिंपल क्लोज्ड कर्व होता है। डैश इज अ लाइन दैट रन्स बिटवीन द सर्कल एंड इट्स सेंटर, सर्कल में सेंटर और सर्कल के बीच में जो लाइन जाती है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम बोलते हैं रेडियस। ध्यान रखना, सेंटर और सर्कल के बीच की लाइन को रेडियस कहा जाता है, सिंपल। डैश इज अ कॉर्ड दैट गोज थ्रू सेंटर ऑफ द सर्कल, कॉर्ड्स बहुत सारी होती है आपकी सर्कल में, सपोज करिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, देखिए अब इसकी कॉर्ड अगर मैं बनाऊँ तो ये सर्कल है आपका, अब अगर इसकी कॉर्ड में बनाऊँ तो ये एक कॉर्ड है दो पॉइंट को मिलाती हुई, ये भी एक कॉर्ड है, दिस इज ऑल्सो कॉर्ड, ये भी कॉर्ड है। उसने पूछा है उस कॉर्ड का नाम बताइए जो सेंटर से जाती है, तो जो कॉर्ड सेंटर से जाती है उसको हम बोलते हैं डायमीटर। ओके, सो दिस इज डायमीटर, तो यहाँ पर आप लिखेंगे डायमीटर वो कॉर्ड है जो सेंटर से जाती है, प्लस अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लॉन्गेस्ट कॉर्ड कौन सी होती है, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड सबसे बड़ी कॉर्ड भी डायमीटर ही होती है। डैश इज द लाइन सेगमेंट दैट जॉइन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाली है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉर्ड। डैश इज द डिस्टेंस बिटवीन सर्कल कॉमा इट इज द लेंथ ऑफ द सर्कल, चारों तरफ सर्कल की जो लेंथ होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम बोलते हैं सर्कमफेरेंस। बड़ा ध्यान रखेंगे सर्कमफेरेंस, चाहे तो आप कहीं लिख लीजिए इसको याद करने के लिए। ओके, ये बाउंड्री होती है, बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, लेंथ ऑफ बाउंड्री। ठीक, अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है व्हाट इज सर्कमफेरेंस, तो आप यही लिखेंगे लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफेरेंस, सिंपल। अब इसमें बताइए कौन सा पार्ट है? ओ, ओ क्या है? ओ है सेंटर ऑफ द सर्कल, बिल्कुल बीच में जो होता है ये सेंटर होता है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, दोनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ए बी, ए बी क्या है आपके? दो पॉइंट को ज्वाइन करती हुई ये है हमारी कॉर्ड। एस टी, एस टी क्या है आपकी? एस टी आपका सेंटर से जा रहा है, दो उसको ज्वाइन करता हुआ ये है हमारा डायमीटर। ओके, नेक्स्ट इज ओ सी, ओ सी क्या है आपका? ओ सी सेंटर उसको ज्वाइन कर रहा है ये है हमारी रेडियस। एंड ओ टी, ओ टी भी क्या है हमारी रेडियस, ओ से जो जाएगी और सर्कल को ज्वाइन करेगी वो सभी रेडियसेज होंगी। ओ एस भी रेडियस है, यहाँ पे कोई और बना दो ओ पी वो भी रेडियस होंगी, सारी रेडियसेज होंगी जो सेंटर से सर्कल तक जा रही है। नेक्स्ट इज इन द सर्कल, इस सर्कल में नाम बताइए, सेंटर का नाम बताइए पहले। तो सेंटर है इसमें एक्स, सेंटर एक पॉइंट होता है सिर्फ। कॉर्ड, कॉर्ड कौन सी है? एस टी, ये एक कॉर्ड है। डायमीटर क्या है? ओ एल। और रेडियस क्या है? यहाँ पर तीन रेडियस है, देखिए एक्स वाई एक्स ओ एंड एक्स एल, तो तीनों के नाम आप लिखेंगे, सॉरी एक्स वाई एक्स ओ एंड एक्स एल, ये तीनों हमारी रेडियसेस हैं। ओके, एक जो क्वेश्चन मुझे लगता है शायद आपके टीचर दे दे, रेडियस और डायमीटर में रिलेशन भी पूछ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको पता होना चाहिए रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर, क्वेश्चन जिस तरीके से पूछा जाएगा आप वैसे ही आंसर करेंगे। एंड डायमीटर इज डबल द रेडियस, डायमीटर होता है रेडियस का दोगुना, डबल द रेडियस, और रेडियस होती है डायमीटर की आधी, हाफ ऑफ द डायमीटर। ठीक है, क्योंकि देखिए रेडियस ये होती है आपकी और डायमीटर ये होता है, दो रेडियस मिलके कंप्लीट डायमीटर बनाते हैं। या फिर क्वेश्चन आपको ऐसे भी आ सकता है, आपको रेडियस दे देंगे और डायमीटर पूछ लेंगे, जैसे 4 सेंटीमीटर रेडियस है डायमीटर बताइए, तो डायमीटर हमेशा डबल होता है 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। 12 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस बताइए, रेडियस आधी होती है, 12 का हाफ 6 होता है, सो 6 सेंटीमीटर, ये 6 है सो ये 3 सेंटीमीटर, बाकी आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, बहुत टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस टॉपिक पे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो नेक्स्ट चैप्टर से बन सकता है, दैट कुड बी ऑफ गेन एंड लॉस, एक क्वेश्चन डेफिनेटली इससे, क्योंकि ये टॉपिक आपको दिया हुआ है आपकी बुक में, एंड आई थिंक ये जंक सेलर का है शायद से क्वेश्चन, यस जंक सेलर का ही है, क्योंकि वहीं पर वो जंक सेल करता है तो गेन एंड लॉस होता है। तो आपको डिफरेंट चीज़ों के प्राइस दिए रहेंगे, किस में वो खरीदी गई है, किस पे वो बेची गई है, गेन हुआ है या लॉस हुआ है, और कितने का गेन या लॉस हुआ है, ये आपको बताना है। अब आप देखिए,
अगर आपने कोई चीज़ ज़्यादा अमाउंट में खरीदी है और कम में बेची है, जैसे कि सपोज करें 200 में खरीदी थी, 190 में बेच दी, तो यानी कि आपको लॉस हो गया, ठीक है। यानी कि अगर इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस, इसको हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस, ठीक। कितने में खरीदी है कॉस्ट प्राइस, कितने में बेची है सेलिंग प्राइस। तो सिंपल सी बात है, अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, आपने एक पेन 4 रुपीज़ में खरीदा, 5 में किसी को बेच दिया, तो यानी कि आपको 1 रुपये का प्रॉफिट हो गया। इस केस में प्रॉफिट होता है। और अगर आपका सेलिंग प्राइस कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, आपने 5 में खरीद के उसको 3 में ही बेच दिया, तो यानी कि आपको उस केस में लॉस हो गया। तो ये होता है प्रॉफिट एंड दिस इज़ द केस ऑफ लॉस, ठीक। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, 30 में आपने कोई चीज़ खरीदी, 35 में बेच दी, तो डेफिनेटली गेन हुआ है क्योंकि आपने बेची ज़्यादा में है, वो सेल ज़्यादा में हुई है। कितने ज़्यादा में हुई है उसके लिए आप सबट्रैक्ट करेंगे ज़्यादा से कम अमाउंट को, तो 35 से 30 को सबट्रैक्ट जब आप करेंगे तो 5 बचेगा, यानी कि आपको ₹5 का गेन हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। गेन या प्रॉफिट एक ही बात है। नेक्स्ट इज 200 में खरीदी, 190 में बेच दी, 200 आपका सॉरी 200 आपका कॉस्ट प्राइस है एंड 190 आपका सेलिंग प्राइस है, दैट मीन्स यहाँ पर आपको लॉस हो गया। लॉस ऑफ हाउ मच अमाउंट, 200 माइनस 190 यानी कि ₹10, 10 रुपये का लॉस हुआ है, ठीक। 300 में खरीद के 320 में सेल कर दी, यानी कि प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट या फिर गेन, जो भी वर्ड आपको दिया जाएगा, कितने का, ₹20 का, ओके। तो इस तरीके से आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी NCERT में है आपका, कितने 50 पैसे कॉइन्स मिलके, कितने 25 मिलके आपके 1 रुपये बनाते हैं। 1 रुपये में आपको पता होगा 100 पैसे होते हैं, ये ध्यान रखना। 1 रुपीज़ क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है, 1 रुपी इक्वल्स टू 100 पैसे। अगर आपके पास 50 पैसे के कॉइन्स हैं तो कितने 50 पैसे के कॉइन्स मिलके 1 रुपी बना देंगे। 50 + 50 = 1, 50 + 50 = 100, 100 पैसे मीन्स 1 रुपी, तो यानी कि आपको 2 50 पैसे के कॉइन्स चाहिए। नेक्स्ट 25 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए, 25 के टेबल अगर आप देखें तो 25 × 4 = 100, ओके। नहीं आती तो 25 + 25 = 50 हुआ, 50 में 25 प्लस किया 75 पैसे हुआ, 75 में 25 प्लस किया तो आपके 100 पैसे हुआ। कितनी बार आपको 25 को ऐड करना पड़ा, 1, 2, 3, 4, 4 बार 25 पैसे के कॉइन्स आए तब जाके आपके 100 पैसे बने, यानी कि कितने कॉइन्स चाहिए, 4। 20 पैसे के कितने कॉइन्स चाहिए, 20, 40, 60, 80, 100, तो कितने कॉइन्स हो गए, 1, 2, 3, 4 and 5, 5 कॉइन्स मिल के आपके 20 पैसे के 1 बनते हैं। 10 पैसे के आपको कितने कॉइन्स चाहिए 1 रुपये बनाने के लिए, 10 ही चाहिए, बिकॉज 10 × 10 = 100, 10 को आप 10 बार ऐड करेंगे तब 100 बनेगा। डैश पैसे मेक 1 रुपी, कितने पैसे 1 रुपये बनाते हैं, 100 पैसे। डैश 10 पैसे विल मेक 50, 10 पैसे के कितने जो सिक्के होंगे वो 50 पैसे बनाएंगे, 5। डैश 25, 2 रुपये बनाने हैं अगर आपको 25 से तो कितने चाहिए होंगे, देखिए 4 25 के कॉइन्स मिलके 1 रुपी बनाते हैं, तो 2 रुपीज़ बनाने के लिए 8 चाहिए होंगे आपको, ओके। तो इस टेबल को एक बार देख लीजिएगा ज़रूर। नेक्स्ट कन्वर्जन आ सकता है आपका रुपीज़ टू पैसे कन्वर्ट करना बहुत आसान है। आपको सिंपल क्या करना है, 7 रुपीज़ अगर आपको दिया हुआ है आप सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बिकॉज 1 रुपीज़ में 100 पैसे होते हैं, ओके। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 700। अब अगर क्वेश्चन ऐसा आता है 9.50, इस पॉइंट का क्या मतलब है, जो ये पॉइंट जो लगा है बीच में, इसको हम लोग डेसिमल कहते हैं एक्चुअली, ये जो है ये वाला, और इसका मतलब ये होता है कि पॉइंट के पहले जो नंबर लिखा जाता है वो रुपीज़ होते हैं और बाद में जो लिखा जाता है वो पैसे होते हैं। अगर इस तरीके से लिखा हुआ और आपको कहा जाए कि इसको कन्वर्ट कर दीजिए पैसों में, तो पहले आप 9 रुपीज़ को कन्वर्ट करिए, बिकॉज 50 तो पहले ही पैसे हैं, डेसिमल के बाद जो लिखा गया है वो पहले से ही पैसे हैं आपके। 9 रुपीज़ को जब आप पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ₹9 में कितने पैसे होंगे, 900 पैसे, बिकॉज 1 रुपी में 100 पैसे होते हैं, तो 9 रुपीज़ में 900 हो जाएंगे, ये 900 पैसे हो गए और ये 50 पैसे थे, तो इसमें 50 पैसे को ऐड कर दीजिए, आंसर विल बी 950 पैसे, ओके। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ इसका, सपोज करिए ये लिखा हुआ है 45.25, सो ये आपके रुपीज़ हैं, ये पैसे आपको कन्वर्ट करना है पैसे में, तो ये तो पहले से ही पैसे हैं, इनको छेड़ना नहीं है, इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा, डेसिमल के पहले जो लिखा हुआ है वो रुपीज़ हैं। 45 रुपीज़ में कितने पैसे होंगे, तो 45 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर विल बी 4500, पीछे 2 ज़ीरो लग जाएगी, सिंपल। अब ऐड कर दीजिए, ये इसमें हो गए हैं 4500 पैसे, तो 4500 में 25 को आप प्लस करेंगे, बिकॉज 25 पैसे पहले से ही थे, तो आंसर विल बी 4525, ओके। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज, अगर पैसे से रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, ये बड़ा आसान तरीका है। आपको सिंपल क्या करना है, जो भी आपके लास्ट के 2 डिजिट्स हैं वो पैसे हो जाएंगे और जो आगे बच जाएंगे वो रुपीज़ हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में 63 रुपीज़ है, 0 पैसे हैं, 0 पैसे यानी कि है ही नहीं, तो यानी कि कितने रुपीज़ हैं, 63 रुपीज़, ओके।
एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर ये है आपका लास्ट के दो अमाउंट है 50, तो यानी कि 50 पैसे हैं और रुपीज़ कितने हैं आगे जो बच गए 105 रुपीज़ है। आप इसको अगर डेसिमल में लिखवाना चाहिए आपके टीचर, अगर उन्होंने लिखवाया हुआ है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 105 डेसिमल, डेसिमल आपको बताया गया था वहाँ पे लगता है जहाँ पर आपको सेपरेट करना होता है रुपीज़ एंड पैसे को, तो 105.50 ये रुपीज़ और डेसिमल के बाद आपके पैसे। ओके चलिए आई एम श्योर ये क्वेश्चन अब आप कर लेंगे। नेक्स्ट इज अब आते हैं टिक 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 जो आपका चैप्टर है 12, कितना 20 मिनट्स की वीडियो हो गई है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं इसको आई थिंक। अभी आप इतना ही करिए, 3 चैप्टर्स रिवाइज करिए, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक बार बताने का भी कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं आपके टिक 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 में बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको नहीं आते हैं जो मैं बताने वाली हूँ, इसलिए मैं इसको बाद के लिए छोड़ रही हूँ, बिकॉज ये चैप्टर टॉपिक मुझे लगता है वीडियो के स्टार्टिंग में अच्छा रहेगा कराना, एंड तक आते आते आप भी थोड़ा सा लेथार्जिक हो जाते हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताऊंगी वो बताऊंगी आपको एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम। किसी बच्चे ने कमेंट भी किया था कि वो बता दो मैम कि कैसे होता है, आपको पता होना चाहिए कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन की तरह नहीं होता है। अगर मैं आपको कहूँ 9:25 AM में से माइनस कर दीजिए 3:35 AM तो कैसे करेंगे? इसमें आप ऐसे नहीं कर सकते 5-5:02 यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ 8 बचेगा 12 हो जाएगा 12-3। अगर आपने ऐसा किया तो आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा, गलत होगा ये बिल्कुल। तो फिर कैसे करना है दैट आई टेल यू नेक्स्ट वीडियो। ओके सो आई थिंक ये जो चैप्टर्स आपको कराए ये आपको समझ में आ गए होंगे, एंड बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप तैयार रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।